नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे बहरहाल बुलेटिन की। सबसे पहले राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मजार बनाने के नाम पर जमीन पर कब्जा करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कलिया साहब के पास धड़ल्ले से अवैध मजार का निर्माण करवाया जा रहा है। सरकारी जमीन और कैचमेंट एरिया में मजार बनवाया गया है। आपको बताएं कि 4 साल पहले भी इसी जगह पर निर्माण हुए थे। खुशी लाल प्रबंधन ने शासन से इस बारे में शिकायत भी की और मजारे बनाने की जो तैयारियां चल रही हैं उन पर रोक लगाने की मांग की। कलियासोर डैम के आसपास अवैध मजारे बनी हुई नजर आ रही है और आप देखेंगे कि ये डैम है, कैचमेंट एरिया है और इस सरकारी जमीन पर आप देखेंगे कि जो मजारे हैं वो यहां पर नजर आ रही हैं। यहां पर जो मजारे हैं वो तैयार की गई थी और इनको लेकर शासन और प्रशासन को शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद इनको हटा दिया गया था, लेकिन अभी एक बार फिर से कुछ इसी तरह से जो मजारे हैं वो इस सरकारी जमीन पर तैयार होती हुई नजर आ रही और ये तस्वीरें हैं आपको दिख रही होंगी यहां पर, जिसमें ये इस तरीके से एक चबूतरा बनाया गया है और उसके ऊपर इस तरीके से जो मजारे वो तैयार कर दी गई है, लेकिन अभी और मजारे तैयार की जानी है उसको लेकर इस तरीके से जो पॉलिथीन है वो यहां पर बिछा दी गई है। कलेक्टर ने यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और इनको जल्द से जल्द यहां से जो हटाने की कोशिशें हैं, हटाने को लेकर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैचमेंट एरिया में इस तरीके की मजारे कैसे बनी, कब बनी और आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी क्यों नहीं लगी, जबकि यहां पर संस्थान बनाने को लेकर, जो फार्मेसी संस्थान है उसको बनाने को लेकर तैयारी की जा रही है और आगे इस पूरे मामले में देखना होगा कि कब इन सरकारी जमीन से जो अवैध मजारे यहां पर तैयार की गई हैं उनको हटाने की जो कार्रवाई है वो कब की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो राजधानी भोपाल में कलियासोर डैम के पास अवैध मजार बनाने का मामला सामने आया है और मजार बनाने के नाम पर जमीन कब्जा करने का सनसनीखेज मामला है। कलियासोर के पास धड़ल्ले से मजार बनाए जा रहे हैं और अब ये खबर सामने आई है और कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब से ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो किसी को जानकारी अभी तक क्यों नहीं थी। कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सरकारी जमीन और कैचमेंट एरिया पर 4 साल पहले भी इसी जगह पर निर्माण हुआ था। खुशीलाल प्रबंधन ने शासन से इसकी शिकायत की और मजारे बनाने की तैयारियां चल रही हैं और भी मजारे बनाने की तैयारियां यहां पर चल रही हैं, ऐसी बात भी निकलकर सामने आई है। तो मजार बनाने के नाम पर जमीन पर कब्जा करने का ये मामला है। सरकारी जमीन है और अगर हम इसे अवैध कब्जा कहें तो बिल्कुल कहीं गलत नहीं होगा। खुशीलाल प्रबंधन ने शासन से इसकी शिकायत की थी और यहां पर और भी ज्यादा मजारे बनाने की बात निकलकर सामने आई। तो चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, ये जो मामला अब सामने आया है इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात तो है ही, लेकिन सवाल ये भी है कि कितने समय से ये हो रहा है, अगर हो रहा था तो शासन प्रशासन इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। जी सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान के बिल्कुल आगे जाके पुलिया पर नीचे जिस तरीके से अवैध मजारे बनी हैं और ये सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 4 से 5 वहां पर मजारे हैं और कुछ और वहां पर जो पॉलिथिन्स हैं उनको डाल दिया गया है जिसे आगे तैयार किया जाएगा। तो बड़े स्तर पर ये जो अवैध मजारे तैयार हो रही हैं ये कब तैयार हुई और इनकी भनक आखिर किसी को भी क्यों नहीं लगी और इसी बात को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये जो मजारे हैं वो किसने तैयार की ये पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन ये सरकारी जमीन है, कैचमेंट एरिया की के पास ये जो मजारे हैं वो तैयार हुई हैं। ऐसी में इन्हीं सारी बातों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज के जो प्राध्यापक है उन्होंने कहा है कि करीब आज से 4 साल पहले उन्होंने यहाँ पर मजारे बनने को लेकर शासन और प्रशासन को शिकायत की थी। अब आप इस बारे में जिक्र कर रही थी कि पहले यहाँ पर किसी और चीज को बनाने के लिए स्वीकृति दी गई थी। रंजना, अब इस ओर क्या प्रशासन का ध्यान था कि जब यहाँ पर किसी और चीज का निर्माण होना था उस बीच अवैध कब्जा यहां पर कौन कर रहा था?
जी अवंती, कैसी बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अवैध कब्जा यहाँ पर कैसे हुआ, किसने ये मजारें तैयार की हैं और कितने समय से ये पूरा जो कामकाज है वो चल रहा था। हालांकि 4 साल पहले शिकायत हुई थी, तोड़ी भी गई थी, लेकिन उसके बाद ये फिर से बनकर तैयार हुई, तो क्या वहां पर कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, कोई वहां पर नहीं पहुंचा? लेकिन अभी फिलहाल कलेक्टर के संज्ञान में ये पूरा मामला आया है और इसको लेकर जांच कराई जाएगी और इसके पीछे कौन है, किस तरह से ये मजारें तैयार हुई हैं, ये सारी बातें आने वाले 1 से 2 दिनों में स्पष्ट हो सकेंगी। बिल्कुल, कई सवाल है जिनका जवाब प्रशासन को ढूंढना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी चर्चा के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते बात करेंगे डिंडौरी की, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक लाचार और बेबस पिता एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं होने पर नवजात का शव थैले में रखकर घंटों भटकता रहा। आपको ये भी बताएं कि नवजात को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इसके बाद नवजात के परिजन उसे थैले में रखकर घंटों एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे और जब मेडिकल कॉलेज जबलपुर ने उन्हें शव वाहन नहीं उपलब्ध करवाया तो मजबूरी में परिजन करीब 150 किलोमीटर नवजात का शव थैले में लेकर बस से अपने घर डिंडौरी पहुंचे। इसे देखकर और सुनकर लोगों में व्यवस्थाओं को लेकर काफी आक्रोश अब नजर आ रहा है। बच्चा कहाँ मरा है? जबलपुर। तो बच्चे को लाने के लिए वो नहीं मिला क्या आपको एम्बुलेंस? नहीं मिला। कब बोल दिए? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये थैला में क्या है? बच्चे का शव है। तो आप सुन रहे हैं कितनी बेबस तस्वीर मध्य प्रदेश के इस स्वास्थ्य महकमे की, जो कि एक नवजात को शव वाहन या एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं करवा सकता। ये मामला जिसने भी सुना वो हक्का बक्का रह गया कि कैसे इतनी लचर व्यवस्था हो सकती है। डिंडौरी की ये पूरी तस्वीर जिसमें मानवता शर्मसार होती हुई नजर आई, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नवजात के शव को थैले में रखकर घंटों पिता यहां वहां भटकता रहा, लेकिन अस्पताल की तरफ से जवाब दे दिया गया कि शव वाहन उपलब्ध नहीं करवा सकते, एम्बुलेंस नहीं दे सकते। 150 किलोमीटर का सफर तय कर थैले में लेकर नवजात के शव को परिजन घर पहुंचे हैं। तमाम बड़े सवाल जो कि जबलपुर मेडिकल अस्पताल पर भी उठते हैं कि क्या नवजात के शव को, कि एक पिता अपने बच्चे के शव को थैले में रखकर घूम रहा है और क्या बीत रही होगी उस पिता पर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े करती ये तस्वीरें। एम्बुलेंस नहीं मिली तो थैले में लेकर नवजात का शव पहुंचा, अपने नवजात का शव लेकर पहुंचा एक पिता। बेहद दुर्भाग्यजनक, चिंताजनक और निराश कर देने वाली खबर डिंडौरी से। मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई यहां पर। लगातार हम ऐसी तस्वीरें कई बार देख चुके हैं जब शव वाहन या एम्बुलेंस नहीं मिलने पर लोग लाचार होकर किसी दूसरे साधन से, किसी दूसरे तरीके से शव को ले जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब तो हाजी हो गई कि एक थैले में बच्चे के शव को ले जाना पड़ा एक पिता को। बेबसी, लाचारी, मजबूरी, यही हम कह सकते हैं। सुबह की तस्वीरें बहुत हैरान कर देने वाली, क्योंकि ना सिर्फ बच्चे का शव इस थैले में था बल्कि वो दम तोड़ चुकी उम्मीदें थी जो कि प्रशासन से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति लगा रहा होगा कि कम से कम इस नवजात को एक एम्बुलेंस की सेवा तो मुहैया करवाई जा सकती थी। लेकिन अक्सर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं और तमाम बड़े सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़े होते हैं लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। ये मामला भी इसी तरह का है जो कि कुछ दिनों बाद निश्चित तौर पर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह जाएगा। आगे जब इस तरह के मामले सामने आते रहे, कलेक्टर्स की तरफ से या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार ये कहते रहते हैं कि मामले संज्ञान में आए हैं, जानकारी जुटाएंगे, जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती भी है, लेकिन एक बार फिर से जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन ने एम्बुलेंस और शव वाहन मुहैया कराने से मना कर दिया, तो किस तरह से लाचारी और बेबस होकर इस व्यक्ति ने इस नवजात के शव को थैले में रखकर अपने गांव, अपने घर वापस लौटना ठीक समझा। लेकिन उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर किसी का भी मन पिघला सकती हैं, लेकिन प्रशासन इतना ठोस कैसे हो सकता है, ये अभी भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है। डिंडौरी की ये तस्वीरें, मानवता शर्मसार करता हुआ एक और मामला।
काफी दुर्भाग्यजनक है अवंतिका, जैसा कि आप बता रही थी कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन निराशाजनक ये है। और सोचने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन की सख्ती के बाद भी ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दावे तमाम किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बातचीत करेंगे सहयोगी कृष्णा साहू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, ठेले पर सिस्टम, खाट पर सिस्टम तो हमने देख ही लिया, अब सिस्टम थैले में भी आ गया। जी बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा कि आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बड़ी ही विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक आदिवासी परिवार को एक सब वाहन नहीं मिलता, जिसके कारण जो बच्चा है बस में उस अपने बच्चे के शव को रखकर करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करके घर तक पहुंचता है। जिसने भी एक तस्वीरें देखी है, जिसने भी ये कहानी सुनी है, लोगों को बड़ा विचलित कर देने वाली है कि आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के जमाने की बातें कर रहे हैं और यहां पर एक शव वाहन न मिलने के कारण इनको करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर एक थैले में बच्चे के शव को रखकर घर तक पहुंचना पड़ता है। सुमित, कृष्णा, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि क्या प्रशासन की तरफ से और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से संज्ञान लिया गया है या सिर्फ अब भी खानापूर्ति की कोशिश? जी बिल्कुल, अभी तक बता रहा हूँ कि अभी तक इस मामले में ऐसा कोई ताजा अपडेट नहीं आया है, ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी का बयान सामने आया है जिसने इस मामले को संज्ञान लिया हो। अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी अभी सामने निकलकर नहीं आई है। और बहरहाल लास्ट तो यही रहता ही है कि खानापूर्ति की जाती है, मामले की जाँच कराई जाएगी कि आखिर गलतियां कहाँ हुई, यह औपचारिकता तो रहती है। निश्चित तौर पर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे हैं लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आना एक बड़ी मुश्किल भी पैदा करती है, लेकिन अब प्रशासन पर सवाल कि आखिर कब तक इस तरह की तस्वीरें लचर व्यवस्था की सामने आती रहेंगी। बहरहाल आगे बढ़ते बात करेंगे राजगढ़ से अगली बड़ी खबर की, जहां अपहरण कांड में खुलासा हुआ है। राजगढ़ पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा करते हुए चचेरे भाई ने अदनान की अपहरण की साजिश रची इस बात का जिक्र किया है। 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी। नरसिंहगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में भी कामयाबी हाथ लगी है। भोपाल के युवक का राजगढ़ से अपहरण हुआ था, कल ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, लेकिन अदनान को छोड़ने के एवज में करोड़ों की फिरौती मांगी गई, ये एक बड़ा विषय। और अपहरण की साजिश रचने वाला कोई और नहीं, चचेरा भाई निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए अब बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष की, जिस पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और विवाद है फिल्म के डायलॉग को लेकर, और भी कई चीजें हैं जो विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं फिल्म की। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, फिल्म पर बैन की मांग यहां पर की जा रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के संतों ने फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग और दृश्यों पर विरोध जताया। उसके अंदर आवरण में भी कहीं ना कहीं मिलावट है और आचरण के अंदर भी है, क्योंकि देवताओं का जो आचरण और आवरण जो हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है वो स्पष्ट है कि यदि भगवान राम है तो उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनका रूप कैसा था, उनका लावण्य कैसा था, उनका शस्त्र कैसे थे, सब कुछ उसके अंदर उल्लेखित है। वहीं हनुमान जी का भी यही उल्लेखित है, तो वो तो आप आवरण से कहीं ना कहीं मात खा गए। जगत जननी माता सीता जी को इतने फोर ढंग से प्रस्तुत किया है कि जो हिंदू उसको देखेगा उसकी भावना को कहीं कहीं ठेस पहुंचेगी। जो ग्रंथ मर्यादाओं पर आधारित है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जगत जननी श्री जानकी जी यानी माता सीता जी शालीनता का, भक्ति का, मर्यादा का स्वरूप है, और उनके इस इतने पवित्र चरित्र को भी अगर इस प्रकार से अश्लीलता लेते हुए परोसा जाएगा तो आखिर हमारे हिंदू धर्म का क्या होगा। आदि पुरुष फिल्म को लेकर विरोध को लेकर भी लगातार सियासत हो रही है। आपको ये भी बताएं कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आती है। सरकार और मनोज मुंतशिर पर सवाल उठाए कांग्रेस ने, सेंसर बोर्ड ने फिल्म कैसे पास कर दी, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया, सरकार को देना चाहिए इस पर जवाब, देवी देवताओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सवाल पूछा गया। आदि पुरुष जो फिल्म की बात हो रही है वो बनाई नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से
किसी भी देवी देवता का, हमारे सनातन धर्म के भगवान का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने भी अभी स्वयं फिल्म नहीं देखी है, तो निश्चित रूप से फिल्म देखने के बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा, लेकिन जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है तो किसी भी देवी देवता का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की फिल्म सेंसर बोर्ड से पास कैसे हो गई, और जहां तक जो इसके संवाद लिखे मनु मुत्तेश्वर, जो अपने आप को बड़ा ही सनातनी कहते हैं, उन्होंने इस तरह के घटिया संवाद कैसे लिखे? आप देखें उसमें माता सीता, आपने सबने पढ़ा है, हमने देखा है कि कभी प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया, उसने सीधा नाम लिया राघव तुम, मतलब उसमें आप देखें प्रभु श्री राम कह रहे हैं भारत की बेटी, उसमें भारत नाम कहां था, उसमें एशिया नाम कहां था अगर हम जाएं लाखों साल पहले। तो ये सब कहीं ना कहीं ने फैंटेसी बनाई है, और उस पूरी फिल्म में आप देखें सनातन संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को बदनाम किया गया है। नरेंद्र उसके डायलॉग भी आप देखें जिस तरह के हैं, बहुत ही इस तरह से लगता है कि कोई गली गुचे में कोई एक दूसरे कोई लोग बात करते हैं उस तरह की। आगे बढ़ेंगे बात कुछ और खबरों की। सीहोर के जिला अस्पताल में सुरक्षा के नाम पर तैनात कर्मचारियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने मरीज के परिजन के साथ यहां पर बदसलूकी की है। मारपीट तक की नौबत आ गई थी, पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था, विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। अस्पताल के अंदर सुरक्षा कर्मियों की गुंडे का वीडियो वायरल हो रहा है, सीसीटीवी भी सामने आने के बाद अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। गुजरात के मांडवी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अस्पताल गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग से मिले, अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का जाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दिया बयान, कहा 25 से चुने हुए कार्यकर्ताओं से पीएम करेंगे बात, 10 लाख बूथ और 15,000 मंडलों पर कार्यकर्ताओं से संवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएस संतोष पहुंचे भोपाल, एयरपोर्ट पर बीडी शर्मा और मंत्री सारंग ने किया स्वागत। बुरहानपुर पहुंचे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सैयद इब्राहिम, पार्टी के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहती है पाकिस्तान की भी जनता। बुरहानपुर पहुंचे खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, स्कूटी पर सवार होकर बुरहानपुर की गलियों में घूमते नजर आए, शहरवासियों से पूछी उनकी समस्या। मुंबई के जियो वॉल कन्वेंशन सेंटर में विधायकों का राष्ट्रीय अधिवेशन, देशभर के सभी पार्टी के विधायकों ने लिया हिस्सा, सिवनी के बरघाट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने गाए देशभक्ति। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई पर हमले के 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, बबलू तोमर पर बदमाशों ने की कार चढ़ाने की कोशिश। आगरमालवा में छात्रों की समस्या को लेकर एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का किया घेराव, एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प। सीहोर के जिला अस्पताल में सुरक्षा के नाम पर तैनात आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी की गुंडागर्दी, जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज के परिजनों को जांच। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।